स्वागत है आपका आज की क्लास में आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के डेली यूज वर्ड्स यानी कि रोज़ बोले जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द जिनका प्रयोग हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इंग्लिश के वर्ड्स उनका उच्चारण और साथ ही साथ इन वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग और इनका वाक्य में इस्तेमाल करना भी जरूरी है कि आपको इंग्लिश के शब्द आए यानी इंग्लिश के वर्ड्स आए और उनका हिंदी में अर्थ भी आए यानी मतलब भी आए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यह भी है कि आपको उन वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंस में हम उन वर्ड्स का इस्तेमाल वाक्य में किस प्रकार से करें यह भी आपको आना चाहिए इससे होगा क्या कि आपको वो वर्ड इजीली याद हो जाएगा इंग्लिश का अगर उसके साथ एक सेंटेंस भी दिया होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला जो इंग्लिश का वर्ड है वो है Many, m a n y, many. Many का हिंदी में जो मतलब होता है वो है अनेक बहुत बहुत सारे या बहुत से तो many से जुड़ा हुआ हम सेंटेंस देखेंगे आई हैव many फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे मित्र हैं आई हैव many फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इज़ इज का हिंदी में मतलब होता है है इसका का मतलब होता है है तो सेंटेंस देखेंगे इसका अब हम दिस इज अ बुक यह एक किताब है दिस इज एक किताब है तो यहां पर इसका मतलब है है और दिस का जो मीनिंग है वो है यह दिस का मतलब है यह है। यह, है यह है एक किताब है दिस इज बुक नेक्स्ट जो वर्ड है वो देख लेते हैं ए ए का मतलब होता है एक एक या कोई ए का मतलब होता है एक या कोई सेंटेंस देख लेते हैं दिस इज मैंगो यह एक आम है दिस इज मैंगो हैव हैव का मतलब जान लेते हैं पास होना रखना होना है यह है हैव है के मीनिंग हिंदी में सेंटेंस जान लेते हैं मेरे पास एक किताब है आई हैव अ बुक मेरे पास एक किताब है आई हैव अ बुक यहाँ पर मतलब है होना यानी मेरे पास एक किताब है होना एक और वाक्य देख लेते हैं इसका वी हैव अ कार हमारे पास एक कार है वी हैव अ कार हमारे पास एक कार है यू यू का मतलब होता है आप तुम तुम्हें तुम सब या आप सब वॉट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो वॉट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो अगला वर्ड है समथिंग समथिंग का मतलब होता है कुछ कोई चीज़ या कोई बात यानी कि समथिंग सेंटेंस देखेंगे ही वॉन्ट्स समथिंग उसे कुछ चाहिए ही वॉन्ट्स समथिंग उसे कुछ चाहिए तो यहां पर कुछ है यानी कि समथिंग अगला शब्द है होप होप का हिंदी में मतलब होता है आशा भरोसा या उम्मीद आशा भरोसा या उम्मीद सेंटेंस देख लेते हैं आई होप मुझे आशा है आई होप मुझे आशा है एक और सेंटेंस देख लेते हैं हमें जीतने की उम्मीद है हमें जीतने की उम्मीद है वी होप टू विन वी होप टू विन हमें जीतने की उम्मीद है तो यहाँ पर होप का मतलब है उम्मीद चलिए अब आगे देखते हैं नीड नीड का हिंदी में मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता जरूरत या आवश्यकता मतलब नीड वी नीड योर हेल्प वी नीड योर हेल्प हमें आपकी मदद की जरूरत है हमें आपकी मदद की जरूरत है वी नीड योर हेल्प तो यहां पे जरूरत मतलब हो गया नीड नेक्स्ट है एग्री एग्री का मतलब होता है सहमत होना राजी होना सहमत होना या राजी होना मतलब एग्री होना सेंटेंस है आई एग्री विद यू मैं आपसे सहमत हूं आई एग्री विद यू मैं आपसे सहमत हूं तो यहां पर सहमत होना हो गया एग्री होना चलिए अगला शब्द देख लेते हैं नो के एन डब्ल्यू यहां पर नो की स्पेलिंग है के एन ओ डब्ल्यू एक होता है एनओ नो उसका मतलब होता है नहीं लेकिन यहां पर जो नो है उसका मतलब है जानना समझना या पहचानना एक और है इसका पता होना जानना समझना पहचानना या पता होना मतलब नो सेंटेंस से इसको समझ लेते हैं आई नो दिस मुझे यह है, पता है आई नो दिस मुझे यह है, पता है तो यहां पर जो नो है उसका मतलब वो नहीं वाला नो नहीं है उस नो की स्पेलिंग होती है ओ और यहां पर है के एन ओ डब्ल्यू नो चलिए आगे देखते हैं एडवाइज एडवाइज का मतलब होता है सलाह या परामर्श सलाह या परामर्श एडवाइज आई वॉन्ट योर एडवाइज मुझे आपकी सलाह चाहिए आई वॉन्ट योर एडवाइस मुझे आपकी सलाह चाहिए वॉन्ट का मतलब होता है चाहना वॉन्ट का मतलब चाहना हेयर हेयर का मतलब होता है यहां या इधर यहां या इधर ही कम्स हेयर ही कम्स हेयर वह यहां आता है ही कम्स हेयर वह यहां आता है और दूसरा जो वर्ड है वो है देयर देयर का मतलब होता है वहां या उधर वहां या उधर आई गो देयर मैं वहां जाता हूं आई गो देयर मैं वहां जाता हूं हेयर और देयर हेयर का मतलब यहां या इधर देयर का मतलब वहां या उधर एक और हेयर होता है एच ए आई आर हेयर उसका मतलब होता है हमारे जो बाल होते हैं उनको कहते हैं हेयर सर के जो बाल होते हैं हेयर तो वो अलग है और ये हेयर अलग है प्रोनाउंसिएशन एक ही है उच्चारण एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है और स्पेलिंग्स भी अलग अलग है अगला वर्ड है रेडी रेडी का मतलब होता है तैयार या उपस्थित तैयार या उपस्थित दे आर रेडी दे आर रेडी वे तैयार है वे तैयार है दे आर रेडी दे दे का मतलब है वे या ये दे का मतलब वे या ये थ्रो थ्रो का मतलब फेंकना फेंकना थ्रो थ्रो मी द बॉल थ्रो मी द बॉल मेरी और गेंद फेंको थ्रो मी द बॉल मेरी और गेंद फेंको मी का हिंदी में मतलब होता है मुझे मैं या मुझको मुझे मैं या मुझको तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद